वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको पार्लर में हेयर स्मूथनिंग करके दिखाऊंगी कि डैमेज हेयर पे हेयर स्मूथनिंग किस तरीके से की जाती है। सो प्लीज गाइस, चलिए करते हैं हेयर स्मूथनिंग। ये मेरी क्लाइंट हैं और इनके जो हेयर हैं काफ़ी डैमेज हैं। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से इनके हेयर डैमेज हैं, और इन डैमेज हेयर में हमने हेयर स्मूथनिंग करनी है ताकि ये जो है बाल बढ़िया शाइनी और सिल्की और मजबूत हो जाए। तो चलिए करते हैं, पहले हम इनका कराते हैं वॉश। राइट, पहले हम लोग कराते हैं इनका हेयर वॉश, फिर उसके बाद करेंगे हम टॉवल ड्राई, फिर उसके बाद करेंगे हेयर ड्राई। देखिए ये जो है टॉवल ड्राई हो रहा है, अच्छे से टॉवल ड्राई हो जाएगा। इसके बाद करते हैं ब्लू ड्राई। गाइस ये देखिए क्रीम सही से अच्छे से अप्लाई हो चुकी है, और अब हमें इसको रखना है 30 से 45 मिनट। वैसे तो हर किसी के बालों पे टेक्सचर के ऊपर जो है रिमॉन्डिंग होती है, किसी के बालों का बोन जो है जल्दी टूट जाता है और किसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप बीच में जो है 25-30 मिनट बाद चेक करते रहिए और बालों का टूट गया नहीं टूट गया, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये हमने क्रीम अप्लाई करती है और अच्छे से इसको अभी 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए इनके हेयर को क्रीम अप्लाई करे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। बालों का बोन अभी नहीं टूटा है और अब हम इसको थोड़ी देर और रखते हैं। गाइस अब इसको 35 से 40 मिनट होने वाले हैं, और हमें एक हमने बाल लिया है ये, और इसको इस तरीके से चेक करते हैं कि हमारे बालों का बोन टूटा या नहीं। ये देखिए, ये दिखा दो बालों का बोन ये टूट चुका है, यानी कि हमारी रिबॉन्डिंग हो चुकी है। अब हम जो है इसको वॉश करा देते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है टॉवल ड्राई हो रहा है, अच्छे से टॉवल ड्राई हो जाएगा। इसके बाद करते हैं ब्लू ड्राई। गाइस देखिए ये वॉश हो गया है, वॉश होने के बाद टॉवल ड्राई हो गया, टॉवल ड्राई के बाद ब्लू ड्राई हो गया। ब्लू ड्राई के बाद जो है ये बाल अच्छे से 100% सूख चुके हैं। अब हम इसमें करेंगे हार्ड प्रेसिंग, प्रेसिंग बिल्कुल दबा के करनी है ताकि जो बालों में हमारा बोन टूटा है वो अच्छे से टूटे कर। गाइस देखिए इस तरीके से सेक्शन निकालना है, बिल्कुल ये पार्टिंग करी, बिल्कुल सेक्शन निकाला है बढ़िया करके, और बहुत पतली सी बालों की लेयर ले रखी है। इसमें अच्छे से प्रेसिंग करनी है आपको दबा के, प्रेसिंग का काम ही है दबा के करना। जितनी बढ़िया प्रेसिंग आप दबा के करेंगे उतना आपकी जो है स्मूथनिंग देर से खुलेगी। हेलो गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरे क्लाइंट के हेयर जो हैं बहुत डैमेज हैं, तो इसलिए मैं ये न्यूट्रलाइज़र में जो है कुछ प्रोटीन डाल रही हूँ ताकि इनके बाल जो है सिल्की शाइनी और मजबूत रहें। तो इनके बालों में जो है मैं इस तरीके से प्रोटीन डाल रही हूँ ये, ताकि इनके बाल मजबूत रहें। अब लगाते हैं इनके बालों में न्यूट्रलाइजर। सारे बालों में न्यूट्रलाइजर अप्लाई किया है, न्यूट्रलाइजर को भी आप अच्छे से अप्लाई करिए ताकि जो है आपकी स्मूथनिंग में कोई दिक्कत ना आए।
इसको भी अच्छे से मर्ज करिए इस तरीके से। अच्छे से लगा लेंगे। हम लोगों ने अब ये न्यूट्रलाइजर वॉश करा दिया है। न्यूट्रलाइजर वॉश कराने के बाद अब हम शैम्पू सेक्शन में ही इनके ट्रीटमेंट वाला मास्क लगाएंगे, हेयर ट्रीटमेंट मास्क लगाएंगे ताकि इनके बाल शाइनी, सिल्की और हेल्दी रहें। गाइस देखिए, ये हमारी जो है स्मूथनिंग हो चुकी है और कितनी बढ़िया करके हुई है। जो इनके डैमेज हेयर थे वो भी देखो, डैमेज हेयर अब बिल्कुल सही हो चुके हैं। हमने इनके बालों में प्रोटीन डाला था, ये देखिए। गाइस अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर एंड लाइक करिए, और अगर किसी को भी हेयर के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि बालों को कैसे केयरफुल रखना है। थैंक यू।